शाजी एक सेकंड, आपने शुरुआत की ये कह के कि हम सिर्फ आज विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएंगे और सवाल पूछेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार से, जब ले दे के एक जुर्म की बात हुई, एक बहुत ही दर्दनाक हादसे की बात हुई, फिर वही बात शुरू हो गई कि दलित की बेटी की हत्या हुई। जी हाँ, हर बेटी की हत्या, हर बेटी के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो वो घृणित कार्य है। बिल्कुल, किस प्रकार से सब लोग सुनवा रहे हैं, देखिए देखिए, मैं समझता हूँ अगर वो संभ्रांत कोई भी महिला की बेटी होती तो शायद इस तरह से नहीं होता। पूंजीपति के लिए तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, धन्ना सेठ की ये सरकार होना चाहिए के लिए नहीं खड़ी होगी, बोलेंगे क्योंकि योगी जी हैं। चलिए, धन्ना सेठ की सरकार है, नहीं योगी जी हैं, जो रात में जलाई गई पीड़िता। आखिरी सवाल में आप पश्चिम बंगाल में चुप रहेंगे आप? अगर योगी जी ने होते तो रात पीड़िता जलाई नहीं जाती। भूल जाइए, कौन है शासन में, भूल जाइए महिला है, महिला मुसलमान है या दलित है, भूल जाइए कि मारने वाला जो है या रेपिस्ट जो है मुसलमान है या अहेर है या जाट है या गुज्जर है। ये तो पूरे प्रदेश जगह देखा जा रहा है, कौन से राज्य में हो रहा है, ये तो पूरे प्रदेश जगह देखा जा रहा है। हम सब लोग कसूरवार हैं इसके लिए, ये नेशनल शेम है भाई, और इन पार्टियों ने इसको एक पॉलिटिक्स कर रखा है, पर्यटन कर दिया है रेप को, ये टूरिज्म बन गया हमारे देश में। टूरिज्म नहीं, आपने रात में नारी जलाई गई, रात में नारी जलाई गई निर्भया में, तो देखते हैं दौड़ के कूद में संरक्षण में आपकी सरकार में रात जलाई गई, खुद दौड़ के कूद के गई थी। आपकी सरकार के संरक्षण में रात में महिला को जलाया गया, नारी जलाई गई, इसको पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं लाने दूंगी। निर्भया कांड में तो आप खुद दौड़ के कूद के गई थी, खुद निर्भया कांड में आप खूब दौड़ के कूद के गई थी, निर्भया कांड तो खूब दौड़ के कूद के गई थी, आम आदमी पार्टी में थी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक औजार नहीं बनाए जाए, चाहे राहुल गांधी होंगे चाहे मायावती होंगी, और जब महिला का जी रहना होगा इस देश में तब तक महाभारत होगी, और जब महाभारत होगी तो कौरव हारेंगे और कृष्ण जीतेंगे। निघासन में महाभारत हुई है, निघासन में महिला का चीरहरण हुआ है, और जब जब बहनों का चीरहरण होगा इस देश में महाभारत होगी, और उस महाभारत में भगवान कृष्ण जीतेंगे। कभी ऐसा मौका है कि देश में महाभारत शुरू, दोहरा मापदंड नहीं होगा। जब ये आम आदमी पार्टी में थी तो निर्भया कांड में दौड़ के गई थी, ये वहाँ पर, और आप जब हाथरस कांड में नहीं बोल रही हूँ, नहीं आप हाथरस कांड पर नहीं बोली है, हाथरस पर आप मौन रही हैं। हमें आगे बढ़ना है, आप बहुत कम जानते हैं मेरे बारे में। एक सेकंड शाजी अलमी, एक सवाल, पार्टी की बात हो रही है, पॉलिटिक्स में दल गदल पॉलिटिक्स में इतने मुलव्विज हैं कि महिला की इज्जत करना नहीं जानते। दल बदल कौन बैठा है तो आप जान लो, दल बदल कौन बैठा है। एक दल बदल बहुत जरूरी है। शाजी आलमी, आखिरी एक मिनट मेरे पास है, तो एक बहुत जरूरी सवाल, क्योंकि जाति पे बात शुरू हुई थी, पता नहीं कहां की कहां चली गई। सवाल ये है कि क्या जातिगत जनगणना होगी, सरकार कराएगी नहीं कराएगी? आपकी सांसद है संगमित्रा मौर्य, वो संसद में बोलती हैं कि होना चाहिए ये जनगणना, पर सरकार चुप है, क्यों? देखिए, सारे स्टेट्स को अभी इजाजत है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे, ये बाकायदा एक कानून है। जब स्टेट्स लगातार अपने अपने इतने सालों से कुछ जातियों को आइडेंटिफाई करके बाकायदा एजिटेशन कर रहे हैं और आंकड़े पेश कर रहे हैं, तो उनके पास वो आंकड़े हैं। अगर सरकार किसी तरह से उन आंकड़ों में इजाफा चाहेगी या मदद करने की कोशिश होगी तो किया जाएगा। कर्नाटक में सर्वे करा के रखा हुआ है, उसको आप पब्लिक करेंगे? आप बताइए, अगर आंकड़े थे नहीं तो किस 22 पर या किस बुनियाद पर इसकी मांग हो रही थी? कोई तो 22 से अधिक अधिकार होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, माननीय काशीराम जी ने कहा, इसलिए उस प्रकार का होना चाहिए। शायद जातिगत